हेलो बच्चों, तो टुडे वी आर गोइंग टू सी हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट। ठीक है बच्चों, यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको। देखिए, स्क्वायर रूट हम लोग निकाल सकते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ऑल्सो, जो मैंने आपको पहले सिखाया था। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें हम प्राइम नंबर्स निकालते हैं। लेट अस हैव अ स्मॉल रिवीजन। 784 को अगर प्राइम फैक्टराइजेशन से करना होता स्क्वायर रूट, सो स्क्वायर रूट को बच्चों ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो आई विल राइट हियर 784, देन यू नो दैट दिस गोज बाय 2, 2 3 जर 6, 2 9 जर 18, 2 2 जर 4, 2 1 जर 2, 2 9 जर 18, 2 6 जर 12, 196 बच्चों किसका स्क्वायर मालूम है? इट इज़ द स्क्वायर ऑफ 14। तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो 14। आप एक काम करिए, 2 से करिए, वंस अगेन नो इश्यूज, बिकॉज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में यू शुड गेट ऑल द प्राइम नंबर्स। तो मे भी गलत हो सकता है, 2 9 जर 18 एंड 2 8 जर 16। अगेन यू आर गोइंग टू विद बाई 2, 2 4 जर 8, 2 9 जर 18, यू आर गोइंग टू डू विद 7, 7 7 जर 49, अगेन यू आर गोइंग टू डू विथ 7 1 7। सो बच्चों ये आपका आ जाएगा पूरा, दैट इज़ 2 into 2 into 2 into 2 into 7 into 7। दिस। तो बच्चों दो टू में से एक टू बाहर आ जाएगा, दो टू में से और एक टू बाहर आ जाएगा, दो सेवन में से एक सेवन बाहर आ जाएगा, तो आपको मिल जाता है बच्चों 28। So that means square root of 784 is 28 बच्चों। तो आपने क्या सीखा इसे? इसे ये सीखा कि 28 को अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो आई विल बी गेटिंग 784। करेक्ट है? When I say you find the square root of 785, it means that find the number whose square is 784. Find the नेचुरल नंबर हुज स्क्वायर इज 784। आया बच्चों बात समझ में? तो 28 का स्क्वायर है 784, 784 का स्क्वायर रूट है 28। आप देखते हैं, वी हैव वन मोर मेथड, दैट मेथड इज कॉल्ड लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, हम और एक मेथड से सीख सकते हैं, दैट इज लॉन्ग डिवीजन मेथड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड बच्चों, अच्छा से सीख लीजिए, बिकॉज ये आपको टेंथ तक ज़रूरत पड़ेगी, टेंथ क्या टेंथ के बाद भी पड़ेगी। तो इसके लिए बच्चों आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, 784 को लिख दीजिए ऐसे। नाउ ड्रॉ लाइक दिस, ठीक है? नाउ पीछे से पेयर बनाना शुरू करिए बच्चों, पीछे से नंबर का पेयर बनाना है। तो पहले पेयर बनाओगे तो आपको मिलेगा 84, करेक्ट? उसके बाद पेयर नहीं है, सिंगल नंबर, दैट इज 7। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नाउ यू स्टार्ट काउंटिंग द स्क्वायर्स, 1 का स्क्वायर 1 7 से कम है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 2 का स्क्वायर 7, 2 का स्क्वायर क्या है बच्चों? 4, 7 से कम है, ठीक है। 3 देखते हैं, 3 का स्क्वायर क्या है? 9, ज़्यादा हो गया 7 से, तो यानी आपको 7 से ज़्यादा नहीं जाना है, 7 से कम ही जाना है। कमॉन कमॉन बच्चों, याद रखिए। तो मैं लिख सकता हूँ 2 2 जार 4, यानी आपको स्क्वायर ही लेना है बच्चों। अगर यहाँ 2 लिखते हो तो यहाँ 2 लिखना है, 2 2 जार 4, एंड 4 शुड बी लेस देन 7। आई के नॉट राइट 3 3 जार 9, बिकॉज 9 इज मोर देन 7। पूरा क्लियर बच्चों? चलिए आप 2 को और एक बार यहाँ लिख दीजिए, यानी आपको एक ही नंबर को 3 बार लिखना है, 1 2 3। ठीक है बच्चों, चलिए एक स्टेप पक्का क्लियर। अब आप इन दोनों को प्लस करिए बच्चों, हमेशा आपको प्लस ही करना है, तो ये मिलेगा 4, इनको माइनस ही करना है, मिलेगा 3। अभी आप ये पूरा जो दिख रहा है 84, उसको नीचे ला सकते हो, पेयर पेयर करके लाना है। ला दिए बच्चों, बढ़िया। अब देखिए आपको यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर लिखना है, ओके, एंड सेम नंबर यू हैव टू राइट हियर, एंड यू हैव टू मल्टीप्लाई, एंड यू मस्ट गेट लेस देन 384, यानी 4। अगर मैं यहाँ 5 लिखता हूँ बच्चों, तो मैंने लिख दिया 5, अब इसको 5 से ही मल्टीप्लाई करिए बच्चों, 5 फाइव 25,
20 प्लस 2 225 आ रहा है, करेक्ट। 225 384 से छोटा है। चलिए थोड़ा और एक स्टेप आगे बढ़ के देखते हैं क्या माजरा है। 46 को 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ। देखिए यहाँ जो मैं नंबर लिख रहा हूँ सेम नंबर नीचे लिख रहा हूँ, कम ऑन। 36 का 6 का 3, 64 24 प्लस 3 27। और थोड़ा सा आगे चलते हैं बच्चों, 47 का 7, 7 7 49 का 9 का 4, 7 4 28 ये आ जाता है 329। और थोड़ा आगे जाके देखते हैं बच्चों, मतलब आपको आगे जाते रहना है, बट यू शुड नॉट क्रॉस दिस लिमिट 384, ठीक है। 8 8 60, ये तो आपको मालूम ही है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन। 8 8 64 का 4 का 6, 8 4 32 और 38। तो बच्चों यहाँ पे लिख लेना 384, लिख दिए। तो एक बार 8 इधर, दूसरा बार 8 इधर, तीसरा बार 8 इधर, टैन टा टैन। अब इनको माइनस करेंगे, आंसर 0 आएगा। अगर 0 आ गया तो ये जो नंबर है बच्चों यही है स्क्वायर रूट ऑफ 784। तो डायरेक्टली लिख दो रूट ओवर 784 इक्वल टू 28। दैट्स ऑल। तो मेरे प्यारे बच्चों इसी मेथड को कहते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। तो दो इम्पॉर्टेंट बात बस याद रखिए, आपको एक तो पीछे से पेयर बनाना है, दूसरा यहाँ जो नंबर लिखते हैं वही नंबर ऊपर लिखना है। दो बात हो गई बच्चों। अगर यहाँ मैंने 2 लिखा, देखिए ऊपर मैंने 2 लिखा, यहाँ 8 लिखा तो ऊपर मैंने 8 लिखा। और तीसरी बात, एक नंबर को 3 बार लिखना होता है, 1 2 3, 1 2 3। तो ये 3 रूल दिमाग में रखिए, ओके। चलिए आपको कुछ कुछ तो डाउट होगा इसमें, डाउट है तो प्लीज़ मुझे कॉल करिए बच्चों, मैं आपको और एक सम सिखा देता हूँ, ठीक है। चलिए बच्चों ध्यान से देखते हैं, 5 3 2 9। अब बच्चों देखिए क्या करना है, अब इसको लंबा सा खींचेंगे, ऐसे करेंगे 5 3 2 9। तो बच्चों आज शाम तक मेरे पास एक रिकॉर्डिंग आ जाना चाहिए। आप रिकॉर्डिंग में ये बोलोगे कि 196 का स्क्वायर रूट निकालना है, इसका मतलब हमें ये वो नंबर ढूंढना है, दैट वी हैव टू सर्च नेचुरल नंबर जिसका स्क्वायर 196 हो, जिसका स्क्वायर 196 हो, ओके बच्चों समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। ये चीज़ आपको रिकॉर्ड करके मुझे शाम तक सेंड करना है। वो क्या है, 196 का स्क्वायर रूट का मतलब ये होता है कि वी हैव टू फाइंड ए नेचुरल नंबर हुज स्क्वायर इज 196, एंड वी नो दैट द स्क्वायर ऑफ 14 इज 196, ठीक है बच्चों। तो यानी हर वीडियो के अंदर में इस तरह से मैं कुछ करूँगा, तो आपको फटाफट वो देख के शाम तक, क्या बच्चों अगर आप दिन में वीडियो देख रहे हो तो वीडियो ख़त्म होने के बाद ही आप रिकॉर्डिंग करके मुझे भेज दीजिए, ठीक है ना। तो क्या भेजना है कि सर स्क्वायर रूट ऑफ 196 का मतलब ये होता है कि वी हैव टू फाइंड नेचुरल नंबर हुज स्क्वायर इज 196, एंड वी नो दैट 14 स्क्वायर इज 196, सो द स्क्वायर रूट ऑफ 196 इज 14। तो ये लाइन को बच्चों समझ जाइए बढ़िया से, अगर पढ़ाई में बहुत आगे जाना चाहते हो तो समझना शुरू करिए, ओके। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, टैन टैन पीछे से करोगे पेयर, पहला रूल करेक्ट। दूसरा रूल, जो यहाँ लिखते हो वही यहाँ पे लिखोगे। तो बताइए कौन सा नंबर का स्क्वायर 53 से कम है, 7 7 49 53 से कम है, 8 8 64 53 से ज़्यादा है। तो मैं लिखूँगा 7 7 49। फर्स्ट रूल हो गया, सेकंड रूल हो गया। थर्ड रूल, एक नंबर को 3 बार लिखना है, 1 2 3। अब सारा रूल ख़त्म। अब बच्चों 7 7 प्लस करेंगे 14, ये हमेशा प्लस, या माइनस करेंगे 4, अब ऊपर से नीचे 29। अब आपको यहाँ कोई एक नंबर लिखना है, सेम नंबर यहाँ लिखना है। अब मैं आपको एक हिंट देता हूँ बच्चों, देखिए
आपको तो सारा नंबर का स्क्वायर मालूम ही है। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ बच्चों, ध्यान से देखिए, वन का स्क्वायर क्या है, वन, टू का स्क्वायर क्या है बच्चों, फोर, थ्री का स्क्वायर क्या है, मेरे एक एक बात को ध्यान से सुनना बच्चों, ठीक है, वीडियो को ध्यान से देखिए, तब जो है ना एक अच्छा इम्पैक्ट बैठेगा दिमाग में। सिक्स स्क्वायर को कहते हैं 36, सेवन स्क्वायर को कहते हैं 49, एट स्क्वायर को कहते हैं 64, नाइन स्क्वायर को 81, टेन स्क्वायर को 100। बस इतना याद रखिए बच्चों दिमाग में। अब देखिए, अगर यूनिट डिजिट 9 आ रहा है तो बताइए बच्चों यहाँ पे 9 किस किस के पास में, 9 एक यहाँ यूनिट 9 आया है स्क्वायर में, सो यानी आप यहाँ पे 3 लिख सकते हो। वन ऑफ द हिंट इज दैट यू कैन राइट 3 बिकॉज 3 का स्क्वायर 9 आ रहा है। और कोई 9 बच्चों, ये देखिए यहाँ पे 9, तो यूनिट डिजिट देखिए यहाँ पे 9 है, सो व्हेन यू आर गेटिंग 9 ओवर हियर इट मीन्स यू कैन राइट 7 ओवर हियर। तो यानी बच्चों इस जगह पे दो नंबर क्वालिफाई कर रही है, एक है 3, दूसरा है 7। तो आपको रैंडमली नो एक एक नंबर ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन यूज़ योर इंटेलिजेंसी। सो 3 एक बार ट्राई करके देखते हैं, 1, 4, 3 और 3, 3 3s are 9, 4 3s are 12, 10 10, मैजिक हो गया बच्चों, एक ही बार में नंबर मिल गया। तो यानी यहाँ पे लिखना है 3, यहाँ पे लिखना है 3, यहाँ पे लिखना है 429 और यहाँ पे लिखेंगे 3। माइनस कर दीजिए, इनको प्लस कर दीजिए, 146। तो यानी आप लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ 5329 इक्वल टू 73। इसका मतलब ये है कि मैं 73 को स्क्वायर करूँगा तो 5329 मिलेगा। पूरा क्लियर बच्चों? अगर 3 से नहीं हो रहा होता, यू कैन ड्राइव विथ 7 बिकॉज 7 स्क्वायर इज 49 एंड 9 इज देयर एज ए यूनिट डिजिट। आया ना बच्चों, सिंपल मेथड है। तो ये प्लीज़ याद रखिएगा कौन से नंबर के स्क्वायर का यूनिट डिजिट कौन सा नंबर है। चलिए मैं आपको थोड़ा और एक सम बता देता हूँ ताकि आप थोड़ा सा और स्मार्ट बच्चे बन जाएं। स्मार्ट तो हो आप लोग, लेकिन कभी कभी ओवर स्मार्ट बन जाते हो। देखिए, रूट ओवर 16384, ठीक है बच्चों, देखिए 16384। नाउ टैन टैन, अब पीछे से देखिए बच्चों, 4 आ रहा है यहाँ पे, राइट। एक हिंट बताता हूँ मैं, अब बताइए कौन सा नंबर का स्क्वायर के यूनिट डिजिट 4 है। 1, 2 का स्क्वायर 4, तो मतलब बच्चों ये जो नंबर दिया है, इस नंबर का जो स्क्वायर रूट होगा उसका यूनिट डिजिट में या तो 2 होगा, और कहीं 4 आ रहा है, 64, 8 का स्क्वायर 64, यानी इस नंबर के स्क्वायर रूट में यूनिट डिजिट 8 होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो यूनिट डिजिट एक तो मैं गेस कर लिया हूँ, या तो 2 होगा या तो 8 होगा, जो आपके स्क्वायर के यूनिट डिजिट में आने वाला है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अगर 3 डिजिट हैं तो यहाँ पे इधर 2 विल कम और 8 विल कम। चलिए अब ये पीछे से फर्स्ट रूल क्या बोल रहा है, पीछे से पेयर करना है, टैन टैन पेयर हो गया। चलिए बच्चों, अब आपका आ जाता है यहाँ पे, बचा है 1, तो बताइए कौन सा नंबर का स्क्वायर 1 से कम है या बराबर है, वो 1 ही है, 1 1 ज़ार 1, ठीक है बच्चों। 3 सेकेंड रूल ये हो गया, थर्ड रूल 3 बार लिखना बच्चों एक नंबर को, 1 2 3 लिख दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, यू नो दैट दिस यू हैव टू ऐड, यू नो दैट दिस यू हैव टू सब्ट्रैक्ट, तो 0, व्हाट यू विल बी गेटिंग, 63। अब बच्चों यहाँ पे क्या लिखोगे, सो ये जो रूल मैंने बोल रहा है बच्चों स्क्वायर वाला नंबर को देख के लिखने का, ये एक्चुअली लास्ट वाले स्टेप में अप्लाई करना है, बीच वाले स्टेप में नहीं। बीच में तो आपको रैंडम मेथड ही करना पड़ेगा, मतलब आपको खुद ही चेक करना पड़ेगा कौन सा नंबर आता है एक एक करके डाल डाल के। तो मैं 23 पुट करके देखो बच्चों, 23 ऊपर 3 लिखा तो नीचे भी 3 लिखना, बार बार कह रहा हूँ ऊपर 3 नीचे 4 नहीं लिखना बच्चों। 3 3 ज़ार 9, 3 2 ज़ार 6, 69 इज बिगर देन 63, काम नहीं बनेगा। 22 नीचे भी 2, 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, तो यहाँ 2 यहाँ 2
यहाँ 2 3 बार लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। 44 9 आ गया और ये 5 बच्चा 1 आ गया, और यहाँ आपको प्लस करना है, बार बार मैं कह रहा हूँ, तो ये आ जाएगा 24 19। अब ये पैर को नीचे लाएंगे तो ये बन जाएगा 84। अब यहाँ पे आप स्टेप लगा सकते हो बच्चों, तो यानी 4, तो 4 देखिए आपको या तो ये मिल रहा है या तो यहाँ 4 मिल रहा है, एम आई राइट? तो 8 का स्क्वायर हुआ बच्चों 4 के लिए, या तो 2 का स्क्वायर, तो यानी इधर 8 और 2 क्वालिफाइज हियर। आप 2 पुट करोगे बच्चों तो आपको ये 1984 नहीं मिलेगा, 8 पुट करना पड़ेगा, तो यानी पुट 8, तो यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, आप बराबर आपको मिलेगा 1984, माइनस करोगे 0, दैट मीन्स द स्क्वायर रूट ऑफ 16384 इक्वल टू 128। तो बच्चों मैंने आपको 3 सम करवाया लॉन्ग डिवीजन का टू एक्सप्लेन यू हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट, करेक्ट? एंड दिस टेक्निक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द नंबर वेरी इजीली एट द लास्ट स्टेप, राइट? इफ यू आर हैविंग यूनिट डिजिट 1, इट कुड बी 1 और 9। इफ़ यू हैव यूनिट डिजिट 4, इट कुड बी 2 और 8। अगर आपके यूनिट डिजिट में 9 है, इट कुड बी 3 और 7। यूनिट डिजिट में 6 है, इट कुड बी 4 और 6। यूनिट डिजिट में 5 है, इट कुड बी 5 इटसेल्फ। अगर 0 है तो 0। तो ऐसे करके बच्चों लास्ट स्टेप का यूनिट डिजिट किसको कहते हैं, ये है यूनिट डिजिट। तो इसको देख के आप गेस कर सकते हो क्या ये है यूनिट डिजिट। लास्ट स्टेप का ही बात कर रहा हूँ बच्चों में, ठीक है ना? तो माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये तो कहानी ख़त्म। मैं आपको चलिए और एक सम सिखा देता हूँ ताकि आपके मन में डाउट आए ना बिल्कुल। तो बच्चों ये है, देखिए 6 6 0 4 9, ठीक है बच्चों? चलिए ऐसे स्ट्रक्चर बनाना है, पीछे से पेयर करना है, रूल 1। रूल 2, कौन सा नंबर का स्क्वायर, कौन सा स्क्वायर बच्चों 6 से कम है, 4, राइट? 2 2 ज़र 4 2 2 ज़र 4। आपको 2 को 3 बार लिखना पड़ेगा, 1 2 3, यहाँ करना है प्लस, ये आ गया 4, माइनस करूँगा 2। पैर को नीचे उतारेंगे, केवल एक पैर को ही उतारेंगे प्यारे बच्चों। अब 4, अब बताइए 4 के बगल में क्या लिखूं कि वो 260 के बराबर या कम हो। 5, ऊपर 5 तो नीचे 5 बच्चों, ऊपर 6 तो नीचे 6, ऊपर 7 तो नीचे 7, याद रखिएगा। 5 5 25 का 5 का 2 22 आएगा बच्चों, 260 से कम तो हुआ। एक स्टेप आगे चल के देखते हैं क्या हो रहा है। 6 6 ज़र 36 का 6 का 3, 6 4 ज़र 24, और यह आ जाएगा 27। 276 बच्चों इससे आगे निकल गया है ना, तो मैं क्या करूँगा, आई विल राइट हेयर 5 5 3 टाइम्स आपको लिखना है, मैंने बताया था 5 1 2 3। अब क्या मिला आपको, 225। आप माइनस करोगे बच्चों, ये आ जाएगा 35, प्लस करोगे 50, टैन टैन, ऊपर से नीचे 49 आ गया। अब यहाँ पे आपको गेस करना है, यूनिट डिजिट है 9, तो 9 होगा तो बच्चों या तो आप 7 लिख सकते हो, बिकॉज 7 का स्क्वायर आता है 49, ये है यूनिट डिजिट। और उसके बाद आप और कुछ कर सकते हो, 3 का स्क्वायर है 9, यहाँ गया, तो यानी 7 और 3 दोनों में से कोई एक सेट होगा, आप मल्टीप्लाई करो बच्चों, 7 सेट होगा, ठीक है? बिकॉज आप 7 लोगे तो ये परफेक्टली मिलेंगे, ठीक है? ट्राई करके देख लेना, ये 7 और यहाँ पे भी 7, 3 बार लिखना है, मैंने बता दिया था। तो 3 5 4 9 को माइनस करोगे 0 बच्चों, ये 7 7 आ जाएगा 14 और ये 5, 0 आ गया। तो दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 6 6 0 4 9 इक्वल टू 257, ठीक है बच्चों? तो मतलब 256 6 0 4 9 का स्क्वायर रूट है 259 257 सॉरी। इट मीन्स दैट
If you do the square of 257, you will land up at 66049. So my dear students, now you do one thing. You kindly do this as homework. Total 12 questions are there. And I want the question to be reached as early as possible by evening. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aur ek baat bachcho. This is very important question. This type. So, agar aapko koi doubt hai, to please mujhse poochhiye bachcho. Dekhiye, doubt aap poochhoge, to hi main aapki madad kar paunga. Nahi to main aapki madad kar nahi paunga. Because main to aapke dimag mein ghus nahi sakta na bachcho. Ye dekhne ke liye ki kya hai sahi, kya galat. So, kindly come forward. And call me and ask doubts, because this only will make you Superman, right? And you are Superman. So, bachcha, ye hua. Next class mein hum dekhenge ki long division method decimal number ke liye kaise karna hai. Theek hai bachcho, pehle ye seekh lijiye. Theek hai, iska main ek chhota sa test bhi le lunga, fir dekhte hain kya hai. Bachcho, aur ek baat, kindly mujhe WhatsApp kariye aur bataiye kis kis ke ghar mein Wi-Fi hai. मेरे ख्याल से सोहन के घर में है और रितेश के घर में है एंड अक्षय के घर में नहीं है और रिगार्डिंग अनिमेश आई एम नॉट वेरी श्योर कि एंड रिगार्डिंग खुशी ऑल्सो आई एम नॉट वेरी श्योर. ठीक है बच्चों, सो व्हाट्सएप कर दीजिएगा. करेक्ट, सो दैट्स ऑल दिस क्लास माय डियर स्टूडेंट्स. फटाफट करके मुझे भेजिए, ये चैप्टर हम लोगों को 2-3 दिन में कम्प्लीट करना होगा. ओके, बाय बाय.